नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश, स्वागत करता हूँ आप सब लोग कौन नए एक्साइटिंग वीडियो में। दोस्तों, आईफोन ने 3 नए मॉडल लॉन्च कर दिया है। पहला है आईफोन XR, उसको आप 10R बोल सकते हैं, और दूसरा है 10S Max, और तीसरा जो है 10R। दोस्तों, ये जो 10S और 10S Max है बिल्कुल सेम है, सिर्फ क्या इनका साइजिंग थोड़ा डिफरेंस है। और दोस्तों, इसका जो 10R है ये आपको 3 कलर वेरियंट में मिल जाएगा, एक है ब्लू, रेड और सिल्वर। ये जो 10S और 10S Max है, इनका डिस्प्ले साइज है 5.8 इंच सुपर रेटिना OLED डिस्प्ले, और Max का डिस्प्ले साइज है 6.5 इंच सुपर रेटिना OLED डिस्प्ले। दोस्तों, ये जो आईफोन है, ये इसका पूरा बॉडी एल्युमिनियम फ्रेम से बना हुआ है, और ये वाटरप्रूफ फोन है। ये 10S Max और 10S Max और 10S में इनका बैक में दो कैमरा आप लोगों को मिल जाएगा, 12 मेगापिक्सल जिनका एपर्चर है f/1.8, और दूसरा है वो भी 12 मेगापिक्सल f/2.4, जिससे आप 4K क्वालिटी वीडियोस, 14 मोड फोटोज और भी बहुत सारे फंक्शंस आपको मिल जाएंगे, लाइव वीडियो, लाइव 4K क्वालिटी वीडियो, आप सब चीज ले पाएंगे। तो इनका जो कैमरा है, आईफोन ने दावी किया है कि ये दुनिया का वर्ल्ड बेस्ट 4K क्वालिटी ये कैमरा को कैप्चर कर सकता है। अगर आप कोई कैमरा फेवरेट पसंद करते हैं, आपको फोटो खींचना पसंद है, तो आप इस फोन को इस्तेमाल कर सकते हैं। और इनके सामने आता है 7 मेगापिक्सल कैमरा, जिसका अपर्चर है 2.4, इससे भी आप पोर्ट्रेट मोड फोटोज, 4K क्वालिटी वीडियोज ये सब ले सकते हैं, और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, जिससे क्या आपको पिक्चर्स को बहुत ही क्लियर और बहुत ही आपको फंक्शंस आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, ये जो मॉडल्स हैं, इनमें ये आपको 3 स्टोरेज वेरिएंट्स में मिलेंगे, एक है 64GB, दूसरा जो है 256GB, और तीसरा नंबर है 512GB। और इनके प्राइसिंग हैं, जो 64GB है उसका प्राइसिंग चालू है 99,900 रुपीज़ से। मान लीजिए जब ये इंडिया में लॉन्च होगा, अभी तो इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है, तो आपको करीब 1 लाख से स्टार्टिंग होगा, 64GB जो है वो 1 लाख से ही स्टार्टिंग होगा। दोस्तों, ये जो आईफोन है, इनके बैटरी जो है, आईफोन ने दावी किया है कि दूसरे सारे आईफोन्स की तुलना में 50% से ज़्यादा फास्टर है ये। इसमें आपको डुअल सिम भरने का ऑप्शन मिलेगा, एक जो है नैनो सिम, और दूसरा जो है कोई फिजिकल सिम नहीं, ई सिम। इंडिया में अभी तो ई सिम सिर्फ जियो और एयरटेल ने ही चालू किया है, दूसरे भी टेलीकॉम कम्युनिटी जो है वो ज्वाइन कर लेंगे, तो आप कोई भी सिम को ई सिम में कन्वर्ट करके इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो कैसा लगा कमेंट पर बताएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे एक और नए एक्साइटिंग वीडियो में। फिलहाल के लिए हंसते रहिए और हंसाते रहिए।